फाइनली ससुराल सिमर का सीजन 2 से दीपिका कक्कर ने अलविदा क्यों कहा, इस पर दीपिका कक्कर ने स्टेटमेंट्स जाहिर किए हैं। तो चलिए जानते हैं दीपिका कक्कर के स्टेटमेंट्स के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, आप सभी को बता दूं कि ससुराल सिमर का सीजन 2 की फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कर, जो कि ससुराल सिमर का सीजन 1 से ही पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी है और उन्हीं के फैन बेस की वजह से इस सीरियल की वापसी हुई है। हालांकि ससुराल सिमर का सीजन 2 में अब दीपिका कक्कर ने शो को अलविदा कह दिया है। दीपिका ने इस बात को लेकर अपने स्टेटमेंट्स जाहिर किए हैं, जिसमें दीपिका कहती हैं कि वेल, ये शो में मुझे सिर्फ और सिर्फ लगभग 2 मंथ्स के लिए ही साइन किया गया था, क्योंकि इस शो में मेरे लिए ये ट्रैक काफी इमोशनल था और काफी शॉर्ट पीरियड का था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इस शो के लिए हामी भरी थी, क्योंकि ये अब तक का मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा है और अब तक का ये मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट रहा है, क्योंकि ससुराल सिमर की वजह से ही मुझे नेम और फेम और मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से मैंने इस शो को करने के लिए हामी भरी थी। हालांकि इस शो से मेरे इमोशंस बहुत सारे कनेक्टेड हैं, इस वजह से इस शो में मेरा एक शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए ही इस शो में एंट्री थी, जो मैंने कंप्लीट कर लिया और फिलहाल मैं एक लंबे ब्रेक के लिए अपने घर पर ही रहने वाली हूँ। सो गाइज, दीपिका कक्कर इज ऑन कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट ब्रेक। सो वेल गाइज, आप बताइए ससुराल सिमर का सीजन 2 में से दीपिका कक्कर को क्या आप सभी काफी मिस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।